करनाल में कोरोना की दस्तक हो चुकी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से नागरिकों को जागरूक करने के लिए चौक चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एक अभियान चलाकर मास्क ना पहनने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के निर्देश अनुसार शहर भर में बिना मास्क के जो लोग वाहन चालक गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं, तो उनको समझाते हुए उनके चालान भी किए जा रहे हैं, ताकि इस भयंकर बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। यहां हम आपको बता दें कि करनाल में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गत दिवस करनाल में 78 नए केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 54 सैनिक स्कूल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा अन्य केस भी सामने आ रहे हैं, इसलिए जिला पुलिस की ओर से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लोगों को मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने व एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने का आह्वान किया जा रहा है। इसके अलावा बुलेट मोटरसाइकिल पर जो पटाखे छोड़कर वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, उनके भी चालान किए जा रहे हैं। यह हम आपको बता दें कि करनाल में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के चालान व जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं बताते चले कि आज करनाल में 44 नए कोरोना केस आए हैं। पुलिस ने एक बार फिर से मास्क के भी चलाना पर फिर से काटने शुरू कर दिए हैं। आप सभी को पता है कि दोबारा से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। हमारे एसपी साहब श्री गंगाराम पुनिया जी के आदेश अनुसार जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां जाकर हम मास्क की सलाह दे रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हम उसके चलान भी काट रहे हैं। सर, मास्क के साथ साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट चाहे हेलमेट हो उसके भी साथ के चलान काटे जा रहे हैं। पूरी कार्रवाई की जाती है, जो भी उनके पास नहीं होता, हेलमेट नहीं है या कोई बुलेट मिलती है पटाखे जाने वाली या कोई भी हो, गवर्नमेंट नहीं होती, हम कितने चालान काट दिए गए हैं लगभग आज? आज काफी सुबह के लगे हुए चालान काटने। सर, रोजाना अलग अलग जगहों पर चालान काटे जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, ज्यादातर आप मास्क का के आदेश है कि जो मास्क नहीं लगाते उनके चालान काट दिए। क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी पूरी सेफ्टी रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर साथ रखें और थोड़ी सी दूरी बना के रखें, ताकि हम कोरोना को यहीं से खत्म करें, आगे ना बढ़ें। सर, बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में हम ये कहना चाहते हैं जो भी जिनके पास मोटरसाइकिल है वो अपने सलाइसर है जो कंपनी वाले ही रखें, दूसरे ना लगाएं और लोगों को परेशान ना करें, ताकि जागरूक नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए चलानी की जा रही, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं अनदेखी क्यों कर देते हैं? सर, लापरवाही बरत रहे हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हो चुका है, सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अब वो काफ़ी इस चीज़ के लिए जो उनकी बुलेट है या वगैरह उनको नॉर्मल रखते हैं। सर, चलान के पैसों की बात करें तो बुलेट के चलान पटाखों का कितने का रखा गया? 10,000 रुपये का फाइन। धन्यवाद। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।